नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया बनी है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। तो ये घर की मलाई है जो घर के दूध से निकलती है, और इसमें 3 छोटे चम्मच मैंने चीनी डाली है। और चीनी को थोड़ा सा हम घोल लेंगे। चीनी हमारी थोड़ा सा जब घुल जाएगी तब हम इसमें डालेंगे गरी का बुरादा। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप गरी का बुरादा लिया है और इसे डाल लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सूखा दिखे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे दूध से भी बना सकते हैं। 1 कप दूध को पका लीजिए और चीनी के साथ बना लीजिए। अब मैंने फिर से यहाँ पे कढ़ाई ली है और 2 कप इसमें दूध डाला है और साथ में देसी घी 1 चम्मच डाला है और 1/4 चम्मच मैंने चीनी डाली है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी ली है, और ये बारीक वाली सूजी है। अब हम इसी तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि इसमें गुलठे ना पड़े। इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसी तरह हमें चलाते हुए पकाना है। और थोड़े से दूध में हमने केसर के धागे भिगो दिए थे तो इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। आप चाहें तो कोई भी इसमें फ्रूट कलर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से, और देखें ये काफ़ी थिक दिखने लगा है। तो इसी तरह हमें इसे पकाना होगा और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालते जाएंगे और इसे पका लेंगे। और घी डाल डाल के हमें इसी तरह अच्छे से जब तक थिक हो जाए तब तक इसे पकाना है। और देखें बहुत ही बढ़िया पक गया है, ये कम्बाइंड होने लगा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पन्नी ली है और इसके ऊपर मैंने घी लगाया है। आप घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। और अब जो सूजी से हमने बनाया था उसको इसके ऊपर फैला देंगे। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हाथ से या चम्मच से आप इसे फैला सकते हैं, या फिर बेलन पे हल्का घी लगाकर उससे भी बेल सकते हैं। और जो गरी की स्टफिंग हमने बनाई थी वो इसके ऊपर अब हम फैला देंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। आप इसमें कटे हुए मेवे भी डाल सकते हैं। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, पन्नी को उठाते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे ऐसे घुमा घुमा कर। और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और देखें बहुत ही बढ़िया रोल हो गया है। अब हम रोल को थोड़ा सा पतला इस तरह से हाथों से कर लेंगे ताकि ये एक सा हो जाए और पतला भी हो जाए। तो आप इसे ऐसे भी ठंडा कर रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो पहले आप अच्छे से इसे रोल को पतला कर लीजिए और किनारों पर काट लीजिए। तो अब मैं इसको रख देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो पन्नी को हम इस तरह लपेट देंगे और इसे रख देंगे, और ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और इसके पीस काट लेंगे। तो चाकू की सहायता से मोटे या पतले जैसे पीस आपको पसंद है तो इस तरह से काट कर तैयार कर लीजिए। और देखें बहुत ही बढ़िया हमारी दिखने वाली मिठाई बन गई है, बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम मुलायम और सॉफ्ट है। तो मैं इसमें थोड़े से पिस्ते लगा देती हूँ। और ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और सूजी से बनी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है, मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।